सोलन के सपरून में सोलन के जाने माने व्यापारी की पत्नी की कार पर कुछ अनजान लोगों ने हमला कर दिया और हद तो ये है कि ये हमला पुलिस चौकी के पास से हुआ और उसके बाद हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद वहां से भागने में भी कामयाब हो गए, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सोलन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराने लगी है और हमलावर बिना किसी डर के सरेआम इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सोलन के सपरून में सोलन के जाने माने व्यापारी की पत्नी की कार पर कुछ अनजान लोगों ने हमला कर दिया और हद तो ये है कि ये हमला पुलिस चौकी के पास हुआ है और इसके बाद हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद वहां से भागने में भी कामयाब हो गए हैं, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सोलन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराने लगी है और हमलावर बिना किसी डर के सरेआम इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि सोलन के जाने माने व्यापारी संजय मित्तल के परिवार पर हुआ ये तीसरा हमला है। कुछ समय पहले उन पर गोलियों से हमला हुआ था, उसके बाद भी हमलावर भागने में फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन लचीले कानून के कारण वे बेल पर छूट गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। शहर के व्यापारी ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सोलन भी अब बिहार यूपी की तरह बनता दिखाई दे रहा है। लोग सरेआम कभी गोलियां चलाते हैं तो कभी कुल्हाड़ियों से हमला कर सोलन में दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा कोई सख्त कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है, जिसकी वजह से सोलन में दहशत का माहौल बन गया है। उन्होंने कहा कि सपरून में गाड़ी पर हमला हुआ, जिसके चलते गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं, जिसके लिए तेज धार हथियार का इस्तेमाल किया गया है। वहीं जब इस बारे में पुलिस अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। फिलहाल पुलिस घटना के आरोपियों की तलाश कर रही है और जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। आपको बता दें कि संजय मित्तल और उसके रिश्तेदारों में करोड़ों का लेन देन है और इस घटना को भी इसी लेन देन से जोड़कर देखा जा रहा है। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और मेरा वर्कर मेरे पास आया, कहता भाजी ऊपर कुछ इस तरह की घटना हो गई है, किसी ने गाड़ी को तोड़ दिया है। तो जब मैं ऊपर आया तो वहाँ देखा तो एक गाड़ी के ऊपर कुछ लोगों ने वार किया हुआ था और पता ये लगा कि वो पीछे से पहले उन्होंने ओवरटेक किया, यहाँ पे आके उन्होंने गाड़ी रोकी और उस गाड़ी के ऊपर वार किया। तय है कि जिस तरह का माहौल यहाँ पे बन रहा है, ये हिमाचल प्रदेश भी अब यूपी और बिहार से कम नहीं रहा। वो गाड़ी यहाँ पे एक कारोबारी है मित्तल जी, उनकी गाड़ी है और उनके साथ ऐसी वारदात पहले भी हो चुकी है और मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि इन चीज़ों को देखा जाए और यहाँ पे सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाए। अगर ऐसी वारदातें होती रहेंगी तो ये दहशत का माहौल तो स्वाभाविक है, दहशत का माहौल तो है ही है और इससे आम जनता सुरक्षित नहीं है। तो ये था आजमगढ़ का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए ऐश्वर्य के साथ। नमस्कार।